السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله अम्माबाद इबन खलद की तहरीर हम पढ़ रहे हैं मुख्तार सानी में जो तालीम के मुतालिक है उन्होंने अपने नज़रियात और मशवरे इसमें पेश किए हैं फरमाते हैं ولو اقتصر المعلمون بالمتعلمين على المسائل المذهبيه فقط لكان الامر دون ذلك بكثير وكان التعليم سهلا وماخذه قريبا سبهلينو يفرماياك استلاحات كي كثرت एक ही चीज़ों के मुख्तलिफ़ नाम और एक ही फ़न की मुख्तलिफ किताबें जिसमें वही बात अलग अलग तरीक़ों से पेश की जाती है फिर उनको हर तरीक़े से याद रखने के लिए मुतालिम को पाबंद बनाया जाता है ये तालीम में मुज़िर है फरमाते हैं कि अगर फिकह की तलीम करना है तो मुदाना पढ़ो मुदौना की तमाम शरहें पढ़ो इसका मुक़ल्लफ़ करना ये सही नहीं है अगर इस इक्तिफ़ा करते और महदूद करते अपने तलबा को सिर्फ मसलक के मसाइल पर लकानल अमरदून अजालिका तो मामला इससे बहुत कम और आसान होता यानी तालीम के माहल और तालीम की मुद्दत कम होती और तालीम आसान होती सहलन व मखद हो और उसका हसूल मैसर और करीब होता वलादा उन लेकिन ये कैसी बीमारी है और फ़्याम में दाखिल हो गया है कि जब तक इतनी किताबें ना पढ़ ले उसको तहसील नहीं ऐसी बीमारी है ला या यर... बीमारी है ला ताफफ जो ख़त्म नहीं हो रही है और नहीं होगी या नहीं होती है लस्तक्रलावा इद आल ही क्योंकि तो लोगों की आदतें इस पर पुख्ता हो गई और ये तबीयत सानिया बन गई है लोगों के मामूला और लोगों की आदत तबियत बन गए हैं अब इसको मुंतकिल करना और बदलना मुमकिन नहीं है लाकिन नकल हुआ और तहवील हुआ यु मसलन इल्मिया और अरबी के इम में इसकी मिसाल दी जा सकती है सीबेही की किताब से वो जमी को ही उस पर जो शुरुआत लिखी गई हैं उनसे वो तुर्किल बसरी नवल कोफी अवल बगदी नवल उनदा हूँ और फिर बसरियों के और कोफियों के और उसके बाद बगदादी और उन उनसी मकतब फिक्र के अलग अलग तरीकों से इसकी मिसाल दी जा सकती है तुरदमी अवल मुतान फिर मुतकदमी का अलग तरीका है मुतान का अलग तरीका है मिसाल के तौर पर इबाजिब इबाल वमी एमा बफीज आलि का और इस सिलसिले में जो कुछ लिखा गया है इन सबको याद रखने का मुकलब बनाया जाता है व कई फायुबिल से इन चीज़ों का मुतालबा क्यों कर किया जाता है हालांकि उसकी उम्र इससे कम ही में फना हो जाएगी वलायत माओहदिलवायती मिन हो और कोई इस तालीम की जो गरज गा, राज़ायत है उसको पाने की उम्मीद नहीं कर सकता फिर मगर शाह व नादिर है मिसिनबिल मग़रब लिहाजल अहद जैसा कि इस ज़माने में दियार मग़रिब के बारे में हमें ये इतना मिली है रजोलिन हम तक एक शख्स की किताबें पहुँची हैं मिन अहले अहनातलबियत मिन अहले मिस्र जो मिस्र के रहने वाले हैं अरबी अदब और अरबीलूम और अरबी फ़नून के माहन में से हैं और हिशाम जिनका नाम बिब्न हिशाम है जहर अमीन कलामी ही फीहा उन्होंने अपनी तसनीफात में जो कलाम किया है उससे ये बात आश्कारा हो जाती है तिलक सिना कि वो हावी हो गए हैं अरबी फ़न के मलके की इंतहा पर उसकी गायत पर उसके मकासद पर हावी हो गए लम तहसुल और ऐसा मलका उनको हासिल हो गया है कि जो सिबुए और इबन जिन्नी और उनके तबके के लोगों को मिला है लहजा में ही ये उनके मलके की खूबी की वजह से हासिल हुआ है भी। और भी ही और चूंकि उन्होंने इहाता कर लिया है इस फन के उसूल का व तफारी ही और उसकी फुरुआत का वह ने तरफी ही है और इस फन में उन्होंने अच्छा तसरफ किया है इसलिए वो फाइक हो गए वजाली का ये इस बात पर दलील है अलाफला के फजलो कमाल फिल्म मीना सिर्फ के अंदर महदूद मुनहसर नहीं बल्कि बाद वाले लोगों में भी पाया जाता है उसमें भी फाइ और कामिल लोग होते हैं सीयम मामा कददम ना हो खास तौर से उन बातों को अगर आप मलहूज़ रखें जो हमने बताई हैं कि मिनकसरती शवागब के बाद के दौर में इंतशार के असबाब बहुत हो गए उसके बावजूद भी अच्छे लोग पैदा हो जाते हैं शवागब शबा याशो मैंने मुंतशर करना तो शागिब इंतिशार का सबब, इंतिशार पैदा करने वाली वजह बतादिल मज़ाहिब, इंतिशार के इसबाब बहुत ज़्यादा हो गए हैं मुख्तलिफ मजाहब के होने की वजह से और मसल के मुख्तलिफ होने की वजह से, से और तरीकों के मुख्तलिफ होने की वजह से और तालीफ की कसरत की वजह से

फ़ला यफ़ी तहसील और मसलन वरना तो जाहिर ये है किब इलम अगर अपनी पूरी उम्र गुजार दे एक फ़न को हासिल करने में तो उसकी उम्र वफ़ा नहीं करेगी अरबी का इम हासिल करने के लिए मसलाती जो अरबी के वसीले की और एक आले की हैसियत रखते हैं फकैन फिल मकसूद तो फिर मकसूद में क्या हालत होगी हुआ जो असल समर है फल है वहां तक पहुँचते पहुँचते तो दस उम्र दरकार होनी लेकिन अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिदायत देता है तालीम का तरीका बदलना चाहिए इनके कहने का मतलब ये इन्होंने एक फकर दिया है सोचने का मनज दिया है कि कैसे हम कम मुद्दत में अपने तालबा को असल और मकसूद तक पहुँचाए ये नदवे ने भी ये फिक्र पेश की और इसकी फिर ज़रूरत है कि इस पर गौर किया जाए अल्लाह ताला मल की तोफ़ी तर आखिर तौर